सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसके संबंध में बात करने वाले हैं, जो वो है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एल्कीन्स में, डाइन्स में जो है वो, और पॉलीन्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसमें हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आप सभी को ध्यान है, हम सब लोगों ने अभी तक बात की है कि वुडवर्ड और फाइजर के नियमों का उपयोग करते हुए, के नियमों की सहायता से हम विभिन्न अणुओं के लिए, विभिन्न मॉलिक्यूल्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैलकुलेटेड वैल्यू जब मैच की जाती है ऑब्जर्व वैल्यू के साथ में, तो बहुत अच्छा सा एक मैच जो है उसमें हमें मिलता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वुडवर्ड फाइजर नियम का उपयोग करके हम बहुत आसानी से विभिन्न डाइन्स और पॉलीन्स के अंदर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद कल बात की थी कि किस प्रकार से जो है वो उसके उसमें कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे हमने देखा था कि जो डिफरेंट पॉलीन्स हैं, डाइन्स हैं, उनके अंदर भी अगर मॉलिक्यूल के अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेन है, यानी कि उसका जो टेट्राहेड्रल एंगल है उससे कोई डेविएशन अगर हमें उसमें मिलता है, तो स्ट्रेन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि उनमें जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वुडवर्ड के नियम की सहायता से, वो उसके साथ में मैच नहीं करती है। और हमने ये देखा था कि अगर उसमें स्ट्रेन है और उसके स्ट्रेन के कारण अगर मॉलिक्यूल की जो कोप्लेनैरिटी है वो समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो हमें क्या मिलता है, हमें वहाँ पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है। और अगर जो है मॉलिक्यूल की जो कोप्लेनैरिटी है उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं है, तो हम देखते हैं कि उस स्ट्रेन के कारण नॉर्मली हमें लैम्डा मैक्स की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके कंपैरिजन में हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। तो इतना सब कुछ जो है इसके बारे में हमने कल बात की थी। आज हम विशेष रूप से पॉलीन्स के संबंध में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि पॉलीन्स के अंदर जो है वो किस प्रकार से लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसमें क्या अपवाद आते हैं। तो देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं। विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन, द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एज वेल एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज। जैसे जितने ज़्यादा कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स आते हैं तो उतना ही लैम्डा मैक्स की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू दोनों जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, उसके अंदर हम दोनों में बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एज वेल एज द एक्सटेंशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ सी एच डबल बॉन्ड सी एच होल एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन 3। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, दे आर गिवन बिलो। इसको अपन इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, वेयर एन इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है 275 और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है 30,000। व्हेन एन इज इक्वल टू 4, द लैम्डा मैक्स वैल्यू इज 310 एंड एप्सिलॉन वैल्यू इज 76,500। व्हेन एन इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू इज 342 एंड 1,22,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स, दैट इज द इंटेंसिटी। So we can see that as the number of double bonds are increasing, the value of lambda as well as epsilon both are increasing. But बात यहाँ क्या है कि दोनों की lambda की value और epsilon की value बढ़ती तो है, लेकिन ये जो increase है, ये increase जो है वो incremental नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक double bond को बड़ा add किया तो इतना increase हो गया, दो double bond को add किया तो इतना increase हो गया, यानी कि इसको हम किसी नियम की सहायता से नहीं समझा सकते। Thus, as the number of double bonds in conjugation increases, the value of absorption maxima also increases, but does not increase proportionally. मतलब जिस proportion में उसका increase होना चाहिए वो नहीं होता, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, proportionally as expected. It is probably due to the variation in bond length between double and single bond. ऐसा शायद इसलिए होता है कि bond length जो है उसके अंदर उसका वेरिएशन होता है। तो यही जो है वुडवर्ड और फाइजर रूल का क्या है, ये एक्सेप्शन है कि जब डबल बॉन्ड्स की संख्या ज़्यादा होगी तो हम उन नियमों का उपयोग करते हुए जो हमने देखे थे उनकी सहायता से लैम्डा मैक्स का मान जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द वुडवर्ड फाइजर रूल इफ़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर मोर देन 4।
तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम एक नया रूल जो है, नए रूल के बारे में बात करेंगे। तो इसको अपन यहाँ देखते हैं, द वुडवर्ड रूल वर्क वेल ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ 4 डबल बॉन्ड्स और लेस, यानी कि 4 डबल बॉन्ड या उससे कम तक अगर डबल बॉन्ड है तो वुडवर्ड का नियम जो है वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा, यानी कि मैचिंग रिजल्ट्स देता है जिसको कि हम उसको मैच कर सकते हैं ऑब्जर्व वैल्यू के साथ में। बट फॉर कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स हैविंग मोर देन 4 डबल बॉन्ड्स द फाइजर कोहान रूल आर यूज विच इज एज फॉलोड। इसके लिए क्या करते हैं हम, फाइजर कोहान रूल का उपयोग करते हैं जो कि इस प्रकार है। क्या है वो, लेमडा मैक्स इज इन हेक्सेन सॉल्वेंट, हेक्सेन के अंदर जो है वो लेमडा मैक्स की वैल्यू वो किसके इक्वेलेंट है, 114 प्लस 5m प्लस n विच इज मल्टीप्लाइड विद 48 माइनस 1.7n ब्रैकेट क्लोज माइनस 16.5r एंडो माइनस 10r एक्सो। तो ये क्या है, ये जो है हम क्या कह रहे हैं, फाइजर और कोहान ने ये रूल दिया कि अगर लेमडा की अगर सॉरी जो है मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड्स की संख्या 4 या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए हम इस रूल की सहायता से लेमडा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही खाली लेमडा मैक्स नहीं, उसके बेसिस पे हम उसकी एप्साइलन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसकी इंटेंसिटी को भी हम डबल बॉन्ड के नंबर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है 1.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड विद n। तो ये इस फॉर्मूले के अंदर जो m है, n है और r एंडो और r एक्सो जो टर्म्स हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज m, m क्या है, m है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स और एल्काइल लाइक ग्रुप्स ऑन दैट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके ऊपर टोटल कितने एल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यूज जुड़े हुए हैं उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और n क्या है, n है कि कितने टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं उस सिस्टम में जो कि आपस में कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन की अवस्था में है। और r एंडो का मतलब क्या है कि अगर उस हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उस एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रखने वाले रिंग्स का नंबर कितना है, मतलब द नंबर ऑफ रिंग्स हैविंग एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज गिवन बाय आर एंडो। एंड आर एक्सो मींस नंबर ऑफ रिंग्स विच आर हैविंग एन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वाले रिंग की संख्या जो है वो आर एक्सो से हम देंगे। तो देखिए एन इज इक्वल टू व्हाट, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जिसके बारे में अभी हमने बात की। M का मतलब क्या है, M का मतलब है नंबर ऑफ एल्काइल और एल्काइल लाइक सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी कॉन्जुगेटेड जो संयुग्मी तंत्र है उस पर कितने टोटल नंबर ऑफ एल्काइल या एल्काइल के समान दूसरे जो है वो प्रतिस्थापनी उसमें जुड़े हुए हैं। R एंडो इज नंबर ऑफ रिंग्स विद एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और R एक्सो इज नंबर ऑफ रिंग्स विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इस तरह से ये जो चार टर्म्स हैं उसको हमें इसमें समझना चाहिए। अब इसके बाद में हम इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं और उसके लिए फिर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये एक ऑल ट्रांस लाइकोपीन है जो कि हमें, जिसको हम कहते हैं टमाटो जो होते हैं उसमें जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक तरह के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 डबल बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्जुगेशन में हैं। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच आर इन कॉन्जुगेशन आर 11, सो n इज इक्वल टू 11। और m का नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, m का मतलब है कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो m जो है वो यहाँ पर 1 जो है कितना हम कैलकुलेट करेंगे, 1 देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ये टोटल 10 आ रहा है ना। तो टोटल नंबर सॉरी 8 आ रहा है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो है वो 8 आता है, और जो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स n जो है वो 11 आता है, और तीसरा जो है r एक्सो और r एंडो, यानी कि अगर कोई ऐसी रिंग है उसमें कोई एक्सोसाइक्लिक या एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो हम उसकी बात आर एक्सो और आर एंडो से करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं है क्योंकि ये एक ओपन चेन सिस्टम है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आर एक्सो और आर एंडो की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो देखिए नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जैसे हमने बात की थी, एम आर 8,
जिसको हम वापस काउंट कर सकते हैं उस पूरे सिस्टम के अंदर। फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है वो 11, वो अपन इसमें काउंट कर सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 11 है। तो जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में इसको सॉरी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 114 प्लस 5 इंटू एम, तो यहाँ एम का वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 प्लस एन, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन दैट इज 11, देन 48 माइनस 1.7 इंटू एन, यहाँ पर भी 11 आ गया, माइनस 0 माइनस 0, तो जैसे आपको बताया आर एक्सो की वैल्यू भी 0 है और आर एंडो की वैल्यू भी 0 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 476 नैनोमीटर। तो ये 476 नैनोमीटर की वैल्यू जो है वो हमने इसके लिए हमने इसको ऑल ट्रांस लाइकोपिन के लिए कैलकुलेट की। और इसी तरह से एप्सिलन यानी इंटेंसिटी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला था 1.74, देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा था इस जगह पर 1.74 इंटू 10^4 मल्टीप्लाई विद एन, तो एन क्या है यहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 1.74 इंटू 10^4 इंटू 11, 11 इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, तो वैल्यू आया 19.1 इंटू 10^4। तो दोनों वैल्यू यानी कि लैम्डा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो है 476 और एप्सिलन की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 19.1 इंटू 10^4 है। इसको हम मैच करते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के साथ में। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू को जब हम मैच करते हैं तो हमें जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हेक्सेन सॉल्वेंट में ही 474 नैनोमीटर में, यानी कि 476 तो कैलकुलेटेड वैल्यू है और 474 जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो बहुत अच्छी तरह से उसके साथ मैचिंग हो रही है। इसी तरह से जो कैलकुलेटेड एप्सिलन की वैल्यू है वो 19.1 इंटू 10^4 है और एप्सिलन की ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है जो हम देख सकते हैं वो है 18.6 इंटू 10^4, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से मैच करती है। तो हम देख कह सकते हैं कि ऐसे तंत्र जिसमें चार से ज़्यादा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं उसके लिए जो है हम लैम्डा की वैल्यू इस फॉर्मूले का फाइजर कोहान रूल का यूज़ करते हुए बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बीटा कैरोटीन का। जैसे आपको मालूम है कि ये सब पिगमेंट्स हैं, ये गाजर के अंदर जो पाया जाने वाला पिगमेंट है बीटा कैरोटीन वो होता है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में कितने हैं, उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जो प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, उनका नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दोनों तरफ देख सकते हैं कि दोनों तरफ एक रिंग है जो कि एंडोसाइक्लिक है, तो आर एंडो की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स एम्स जो हैं वो 10 है, अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1 है ना, देन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, तो 10 नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हुए राइट हैंड साइड में लास्ट तक जाएंगे, या राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में तक पूरे अंत तक जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें हम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यूज वो गए एम इज इक्वल टू 10 हो गया, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो हैं वो 11 हो गए और नंबर ऑफ रिंग्स विद एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स जो हैं वो 2 हो गए। देखिए दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है, तो इस तरह से ये हमने तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में जो हमने निकाला था फाइजर कोहान का था उसमें हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 114 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 11, बिकॉज वैल्यू ऑफ एम इज 10 एंड वैल्यू ऑफ एन इज 11, तो 11 इंटू 48 माइनस 1.7 इंटू 11 माइनस 16.5 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 0। तो देखिए ये 114 प्लस 50 प्लस 11 इंटू 29.3 माइनस 33 माइनस 0, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई 486.3 माइनस 33, तो ये हो गया 453.33। तो ये हमने इसको कैलकुलेटेड वैल्यू को निकाल लिया और लैम्डा की जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो आती है 452 नैनोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैच कर रही हैं। इसी तरह से जो इंटेंसिटी की वैल्यू है एप्सिलन उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.74 इंटू 10^4 मल्टीप्लाइड विद एन, एन की वैल्यू जो है यहाँ पर 11 है, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो आती है 19.1 इंटू 10^4
और जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई लैम्डा की सॉरी एप्सिलॉन की वाइज 15.4 इंटू 10 टू पावर 4, तो ये दोनों बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं कि मैच करती हैं। तो ये दोनों वैल्यू लैम्डा की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो इस बीटा कैरोटीन में एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह से मैच करती है। तो ये जो है बहुत ही रिलायबल रिजल्ट जो है फाइजर क्वान रूल से हमें प्राप्त होते हैं। इन ए लॉन्ग चेन पॉलीन चेंज फ्रॉम ट्रांस टू द सिस कॉन्फिग्रेशन एट वन और द मोर डबल बॉन्ड लोअर्स बोथ द वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एज सीन इन द केस ऑफ नियोलाइकोपीन ए विच इज स्टीरो आइसोमेरिक विद ऑल ट्रांस लाइकोपीन। तो जो हमने ऑल ट्रांस लाइकोपीन देखा उस ऑल ट्रांस लाइकोपीन में जो स्टार्टिंग में देखा था, देखिए ये वाला, इसके कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक डबल बॉन्ड जो है उसके ऊपर कॉन्फिग्रेशन को चेंज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हमें प्राप्त हुआ वो है ऑल ट्रांस लाइकोपीन, तो सॉरी नियो लाइकोपीन जो है, नियो लाइकोपीन ए जो हमें प्राप्त हुआ जो कि ऑल ट्रांस लाइकोपीन का एक तरह से स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म है। तो वहां पर क्या हम देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू दोनों ही जो है वो एकदम से चेंज हो जाती हैं। फॉर नियो लाइकोपीन ए प्रिडिक्टेड मैक्सिमा इज अनचेंज, है ना, हाउएवर इट्स स्पेक्ट्रम शोज एन एडिशनल बैंड एट 361 नैनोमीटर विद अबाउट 1/2 द इंटेंसिटी ऑफ विजिबल एब्जॉर्प्शन। यानी कि इसका जो हमने लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेशन की वैल्यू तो लगभग कॉमन है, लेकिन हम क्या देखते हैं उसके जो ऑब्जर्व है उसमें एक 361 नैनोमीटर का हमें एक क्या मिल रहा है, एक हाफ इंटेंसिटी का बैंड जो है विजिबल रेंज में मिल रहा है। दिस बैंड इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद द सिस डबल बॉन्ड इन द पॉलीन चेन विच इज अपेरेंटली ब्रेकिंग द कॉन्जुगेशन एट दिस पॉइंट। तो जैसे ही हमने कॉन्फिगरेशन को चेंज किया, स्टीरियो आइसोमर बना, वैसे ही हम क्या देखेंगे कि जो उसका जो कॉन्जुगेशन है वो उस पॉइंट पर ब्रेक हो गया, इसलिए जो है उसकी वैल्यू जो है वो लैम्डा की वैल्यू उसमें उसकी लैम्डा की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू जो है दोनों जो है वो कम हो गई, यानी कि उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई और लैम्डा की वैल्यू भी कम हो गई। तो 361 जो है उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है और इंटेंसिटी जो है वो 68,000 है, जो हम उसको मैच कर सकते हैं कि वो ऑल ट्रांस लाइकोपीन से काफ़ी कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वुडवर्ड फाइजर रूल है उसको हम फाइजर कोहन रूल की सहायता से हम उसको उसका उपयोग करते हुए चार डबल बॉन्ड या उससे ज़्यादा सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड हो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे तो उसमें भी हमें वेरिएशन मिलता है, क्योंकि जब जहाँ पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है वहाँ पर ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह से हमने डाइंस और पॉलीन सिस्टम्स जो हैं उनके लिए लैम्डा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है। तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे इसी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं या वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप जुड़े हैं या इनोन सिस्टम्स जो हैं उनके बारे में, उनका जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट टर्न पे उसके संबंध में बात करेंगे।